थैंक यू सो मच मामू जी, थैंक यू सो मच। चौधरी निसार का गांव, ब्लू वर्ल्ड सिटी। इसकी हालत देखो, बंदर बना हुआ है। चलो ये क्या हुआ है तुझे? कांटा लगा है। लगा ये तो ठीक है, ये साथ क्या छोटी सी बकरी डाली है साथ? मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें मुझे गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि भाई माहौल इतना ठंडा हुआ है ना, 3 दिन से बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हुई, सुकून आया हुआ है भाई, सुकून। गर्मी अभी बिल्कुल एंड हुई हुई है यार। सीन कुछ इस तरह के, आज है चांद रात और भाई कल ईद है। हाय हाय हाय। ऑलमोस्ट सारे गाँव पहुंच ही चुके हैं, खाला मामू लोग सब लोग, तो हम ही रह गए थे यार। मामू को कॉल किया कि आप आ जाए, तो मामू भी आने वाले हैं गाड़ी लेके, तो फिर इंशाल्लाह सीधा गांव निकलेंगे, क्योंकि भाई हमारी खानदानी रवायत ईद करनी है, तो गांव में सब के साथ करनी है। नाना अबू ने बड़ी सख्ती से आर्डर जारी किए होते हैं कि भाई जो बंदा जहाँ कहीं भी है ना भाई, किसी को छुट्टी नहीं भी मिली, छुट्टी लो और सारे के सारे गांव पहुंचो, ईद तो करनी है तो इकट्ठी करनी है। तो नाना अबू से भी यार मैं आपको मिलाऊंगा। फिलहाल सबसे पहले यार फ्रेश हो जाते हैं, मामू आ जाएंगे फिर जल्दी से हम निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, लेट्स गो। सो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार, निकलते हैं आप सीधा गांव के लिए, तो वहां पे जाके आपको फिर रिव्यू करवाएंगे अपने गांव का भी। सो लेट्स गो। चलो सबसे पहले मामू को मिलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? सेहत भी ठीक है? खैर है? फिर पहुंच गए मामू जी, खैर करिए से? हम भी तैयार हैं बस निकलने के लिए, अम्मी अभी तक नहीं आई है। मामू जी ऐसी शैसी बयान करो, गाड़ी धूप में खड़ी रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। हाय हाय हाय, अब ठंडी हवा आई है यहाँ से। यार इतना ज्यादा रश बने हुए हैं रोडों के दोनों साइडों पे भी, इधर भी और उस साइड पे भी कुर्बानी के जानवर खड़े किए हुए हैं। कम से कम हमें 15 मिनट हो गए यहाँ पे फंसे हुए, ये सारा रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। जिस टाइम मैं आया उस टाइम काटे हूँ ज्यादा, उन्हें शामी और मजीद ज्यादा हो सके। म्यूजिक शो से कान करो ना, गाना शाना चलाओ। गाने के बगैर तो यार सफर करने का मजा ही नहीं आता। हाय आप सुकून से जाएंगे यार, गाड़ी में जब तक म्यूजिक ना लगा हो ना, यकीन मानो सफर करने का मजा ही नहीं आता। ये सारी स्मार्ट सिटी है, ये सारा एरिया भी स्मार्ट सिटी वालों का ही है। मामू जा रहे हैं पकौड़े समोसे लेने के लिए, थोड़ा सा म्यूजिक आस्ता कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मामू जी, थैंक यू सो मच। समोसे आ गए, समोसे, थैंक यू मामू जी। मामू जी पकौड़े खाओ आप, समोसे पीछे पकड़ा दिए। हाय 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 हाय, मेरे फेवरेट पकौड़े, हालांकि अम्मी मुझे नहीं खाने देती, कहते ज्यादा ना खाया कर, लेकिन मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट है यार। ये होटल देख रहे हो, ये वाला, जब भी गांव जाए ना हम यहाँ से चाय जरूर पीते हैं। गांव जाए या गांव से वापस शहर में आए ना, जब तक यहाँ से चाय ना पिए ना भाई, सफर का मजा ही नहीं आता। फैमिली साथ है इस वजह से हम यहाँ पे नहीं रुके, सीधा यहाँ से गुजर गए हैं गांव ही जाके, वहाँ ही गर्मी जाके चाय शाय पियेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कमाल की जगह यार, इसकी इंटरेस्ट चेक करो। चाइना वालों की मॉडिफाइड है ये चीज, अपने ऊपर बुद्ध भी खड़े किए उन्होंने। समोसे में इतनी ज्यादा मिर्ची और मामू इतने मजे से खा रहे हैं, मामू मिर्ची नहीं लग रही है, कोई नहीं। ये चेक करो, सी सी भी कर रहे हैं बीच में से।
हम चक्री अड्डे पे पहुंच चुके हैं। चौधरी निसार का इलाका है चक्री अड्डा। जैसे चक्री नहीं समझ आती ना, अगर यही बंदा कह देना चौधरी निसार का इलाका, फिर फौरन समझ जाता है बंदा, ये वही है सारा चक्री। अभी यहाँ से हमारा घर तकरीबन रह गया है 15 मिनट की दूरी पे, नजदीक पहुंच गए हम। इसके बाद हमारे गांव आ जाएगा। वो सामने जो दूसरी तरफ आप ब्रिज देख रहे हैं ना, वो मोटरवे है और ये हमारे गांव का ब्रिज। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये है चक्री चौधरी निसार का गांव। ये आ गया गांव, हमारे गांव से पीछे उनका गांव है। सामने इमाम बरगाह है, सबसे बड़ी चक्री की इमाम बरगाह। हर साल यहाँ पे जश्न होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जश्न यहाँ पे होता है। ये देखो गाइस, ये सारा गांव चौधरी निसार साहब का है। ये डेरी विलेज आ गया, इसके बाद हमारा गांव आ जाएगा। डेरी मोड़ा, पहले डेरी उसके बाद मोड़ा, मोड़ा हमारा गांव है। तो बस आगे अभी सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है हमारे सिर्फ घर तक। मेरा विलेज आ गया, मेरा प्यारा प्यारा विलेज मोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े टाइम के बाद मैं आया हूँ, क्योंकि मैं हम सिटी में ही रहते हैं, तो बड़े टाइम के बाद कम से कम भी कोई दो ढाई तीन महीने हो चुके हैं अभी मैं गांव आया हूँ। आ गया हमारा घर, आ गया इधर से लेफ्ट साइड पे सीधा हमारा घर। माशाल्लाह सुकून आ गया यार गांव आके। ये चेक करो, सो यार मैं आ चुका हूँ गांव। भाई यहाँ पे आके ना, हाय हाय हाय, इतना सुकून आ रहा है ना, एक अलग ही लेवल का मजा है। ये इतनी ईद मनाने की खुशी नहीं है जितना मुझे गांव आने की खुशी है यार। सुकून का सांस मिलता है यहाँ पे। ये शहर के पोल्यूशन रोले, आए हाय, दफा मारो इनको, दफा मारो। आपको सारा गांव यार चेक कराएंगे, सबसे पहले तो मैं अपनी हालत सुधारूँ ना, ये चेक करो दाढ़ी शड़ी। अशम आ गया, अशम बाल शाल कटा लिया तूने? मैंने नहीं कटाए, मेरी हालत देखी है ये। चल चले पहले बाल शाल कटा कर। मम्मा कहते मम्मा नहीं आई, कल आएंगी। अच्छा ये क्या पहने हुए, नीचे जूते शलवार ऊपर शर्ट, गर्मी तो नहीं लग रही? दो गर्मी है, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। कल बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश तो हुई है, देखो जगह सारी गीली है, बारिश हुई है, लेकिन अभी तो काफी सुकून है, ठंडा है, ठंडा है, गर्मी अभी नहीं हो रही है। ठीक है, बाल कटा ले। चलो यार बहुत हालत खराब हुई हुई है। ओए अब्दुल्ला आजा आजा आजा, पापा छटो, पापा एक पापा छटो। अच्छे ना, कब आयो गाँव? कल आयो, आज आयो? कल आयो गाँव है, अकेले के लिए आ गए, मुझे भी साथ नहीं लेके आए। और ये क्या रस्सी उठाइए, बकरी कहाँ पे है? चलो ये क्या हुआ है तुझे, ये देख है खून है, गिरा कहीं पे? फिर किधर से खून निकल आया? कांटा लगा है। बकरी ने नहीं मारा? नहीं। बकरी तेरी दोस्त है ना, तुझे नहीं मारती है ना? नानी पिस्तौल बोलो, किधर हाथ पे मेहंदी लगाई है? माशाल्लाह अब्दुल्ला। अच्छा ये तो ठीक है, ये साथ क्या छोटी सी बकरी डाली है साथ, वो जिसकी ये रस्सी खोल के लाया वो बकरी है ये? हाँ हाँ, कितना प्यारा नाम लिखा है, किसने लगाई है मेहंदी ये? अच्छा अपी ने लगाई है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो जाऊ ना बाल शेर कटवाने के लिए, हालत तो आप देख ही रहे होंगे भाई, जंगली बना हुई है, देखो कितनी बड़ी दाढ़ी हुई है, और बाल मैंने कटाए नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था बाल शाल दाढ़ी शाड़ी कटाने के लिए। और कल इधर सबसे पहले चलते हैं किसी बार्बर के पास, ये बाल शाल ना दाढ़ी शाड़ी कटाते हैं, आला शाल सीधी कराते हैं, लेट्स गो। कल मैं आपको कुत्ते बिल्ले बथे कबूतर मुर्गियां सारा कुछ दिखाऊंगा, बस मेरे साथ रहिएगा। इसकी हालत देखो, बंदर बना हुआ है। इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है ये। दौड़े लगा रहा है, अब दौड़े लगानी शुरू कर दी इसने, पहले जंप कर रहा था, अब दौड़े लगा रहा है ये। भाई जी हम बाल शाल शाल दाढ़ी शाड़ी कटा छटा के आ गए हैं, पर लेकिन कुछ खास फर्क नहीं लग रहा, शायद रात की वजह से, सुबह आपको दिखाएंगे भाई जी।
कैसी खच मारी है नाई ने। तो गाइस अभी का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल ईद का पहला दिन है, नमाज शमाज पढ़ के व्लॉग बनाएंगे, आपको अपना विलेज दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कुत्ते बिल्लियां कबूतर बतखें सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए पप्पी भाई को दे इजाजत, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस यस अल्लाह हाफिज़।